मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया बन गए हैं। वो अगले 4 साल तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। शरद पवार ने भाजपा की खिंचाई करते हुए बिल्किस बानो वाले मुद्दे को भी उछाला। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री महिलाओं की गरिमा बनाए रखने की बात करते हैं और 2 दिन बाद भाजपा सरकार ने बिल्किस बानो और उनके परिवार के खिलाफ अत्याचार करने वालों की सजा कम कर दी। सुनिए अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद शरद पवार ने क्या कहा है। आज महिलाओं की स्थिति क्या है ये कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, मगर मुझे आश्चर्य लगता है कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से लाल किले से जो देशवासियों को संबोधित करने का काम किया, इसमें उन्होंने महिला सम्मान की बात की गई है। एक तरह से देश के प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं और 2 दिन के बाद ये प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं जो गुजरात, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहाँ बिल्किस बानो की जिस हमारी बहन के सामने अत्याचार किए गए, इनके बाल बच्चों पर अत्याचार किए गए, उनकी हत्या की गई, उनके परिवार के लोगों की हत्या की गई, ऐसे काम में, ऐसे गलत काम में जो लोग शामिल थे और उनको सजा हुई थी, वो सजा कम करने का काम गुजरात सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया और प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान की जो बात की, ये सम्मान की व्याख्या क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात देशवासियों के सामने दिखाया।